ये तो वही सुनहरा नाग है जो उस दिन देव को बचाने आया था। भागो। दीदी वो दूसरी औरत नयनतारा थी। अपनी माँ के साथ हमें मारने आई। जल्दी इरावती। दीदी दीदी वो नयनतारा थी। भाई कहाँ हैं सब लोग? मैंने आकाश भाई को कहते सुना था कि बच्चे बाहर गए और देव बा के पास है। कल पक्का शादी है ना? हाँ। वो नयनतारा का है। वो नागिन की बेटी। कहाँ है वो? कहा गई वो नयनतारा? वो नागिन की बेटी ईरा केतकी ख्याति कहा है? उसे कहा था ना उस पे नजर रखने के लिए? दीदी इसका मतलब है वो काले सुनहरे रंग की दूसरी नागिन जरूर नयनतारा थी। ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? अपना असली चेहरा दिखाओ, दिखाओ मुझे अपना असली रूप। मैंने कहा अपना इंसानी रूप दिखाओ। भोलेनाथ के दरबार में हैं हम, बिना पहचान बताए हम नहीं लड़ सकते। दिखाओ मुझे अपना असली रूप। उस इच्छाधारी नाग को फिर देखा। हाँ देखा उसे। वही जहां मैं आज देव पारिक के साथ गई थी। फिर तो उसका चेहरा भी दिखाऊंगा। यानी कि मेरी बेटी। मां मेरी बात पहचान लिया मैंने तुम्हें। और मैंने तुम्हें, तुम नयनतारा की माँ हो ना? तुम दोनों माँ बेटे मिलके करना क्या चाहते हो? मतलब तुम लोगों का प्लान क्या है? बोलो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नयनतारा तुम्हारी बेटी है ना? तुम किसकी बेटी हो? मतलब अपने माँ बाबा की। कौन है तुम्हारे माँ बाबा? स्वरा और महेश। और मेरे बाबा पारिक परिवार के पंडित जी हैं जिन्होंने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की।
अरे कुछ भी बोले जा रही हो, मेरे बाबा तो यहाँ थे भी नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें देखा है पारिक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए। सब कुछ सुना है मैंने जब तुम बोल रही थी। और तुम नागिन हो और अब एकदम से नॉर्मल इंसान बन गई, मतलब तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? और मेरे ऊपर क्या किया है तुमने? मैं नागिन नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल सी लड़की हूँ। मेरे ऊपर नागिन की स्किन थी, मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? मुझे ये बताओ तुमने मेरे साथ कुछ किया है क्या? बस क्योंकि अगर मैं नागिन होती तो मेरी माँ को पता होता। तुम्हारी माँ को पता है बेटा, मुझे हमेशा से पता है। मैं नागिन नहीं हो सकती, तुमने कुछ किया है मेरे साथ। आओ मेरे साथ, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। आओ। इस पूर्णिमा के चांद को देखो, ये तुम्हें तुम्हारी पूरी और सच्ची कहानी बता देगा। देखो, आंखें बंद करो। नहीं, डरो मत, बंद करो अपनी आंखें। देखा, यही है हमारी सच्चाई। हम कोई आम इंसान नहीं है, हम नागिन हैं, इच्छाधारी नागिन। असली रूप, तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो, एक इच्छाधारी नागिन। ये तो जश्न मनाने का वक्त है। बेटी बेटी लगा रखा है? हाँ, कौन सी बेटी, किसकी बेटी? मेरी बेटी, मेरी बेटी बृंदा, मेरी उत्तराधिकारी, एक इच्छाधारी नागिन। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ये क्या नागिन नागिन लगा रखा है? मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, नागवंश की राजकुमारी की बेटी हो तुम, एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। देखा नहीं अभी अभी कैसे अपना रूप बदला तुमने, मगर अफसोस बदला भी तो उस पारिक परिवार को बचाने के लिए बदला, वो परिवार जिसने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया है। वृंदा, वो लोग तुम्हारे बाबा के खूनी है, यहाँ तक कि तुम्हें और मुझे भी मौत के मुंह धकेलने वाले थे। वो लोग खूनी है, वो लोग। मैं नहीं मानती ये सब, तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। मुझे उन पे पूरा विश्वास है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे परिवार की तरह है वो लोग, बचपन से लेके आज तक मैं उस परिवार में बड़ी हुई हूँ। अरे मेरे बाबा उस परिवार के पंडित है, और अगर वो लोग कभी कुछ गलत करते ना तो मेरे बाबा उनका कभी साथ नहीं देते। इसलिए अपनी ये झूठी कहानी बनाना बंद करो, समझी तुम? और मैंने खुद देखा है तुम्हें उन लोगों पे हमला करते हुए, खुद सुना है जब तुम चीख चीख के बोल रही थी कि तुम उन लोगों से नफरत करती हो। इसलिए अपनी झूठी कहानी अपने पास रखो। बस तुम मुझे इतना बताओ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये क्या जादू किया तुमने मेरे ऊपर? मैं नागिन कैसे बन गई? तुम नागिन बनी नहीं बृंदा, तुम एक नागिन हो, और कोई मामूली नागिन नहीं हो, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो तुम।